इस वीडियो में हम सामंतर श्रेणी के ऐनवा पद ज्ञात करने के सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं और इसी ढंग का हम एक प्रश्न ले रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, फाइंड द 30th टर्म मतलब तीसवा पद ज्ञात करना है। 100, 70, 40, 10, -10। ये हमें एक सीरीज दी हुई है, तो हम इस सीरीज का तीसवा पद ज्ञात करना चाहते हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो आप देखें, ये क्वेश्चन हमने लिया, फाइंड द 10th टर्म 2, 7, 12, -10। मतलब इस क्वेश्चन में हम दसवां पद प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं, प्रथम पद ए बराबर 2, सार्वांतर हम पता करें तो दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं, 7 -2 = 5। इसी तरीके से हम 12 में से 7 घटा दें, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें, तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। फिर पदों की संख्या, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, दसवां पद ज्ञात करना है, तो n = 10। और जो फार्मूला हम देख रहे हैं, सूत्र हम उपयोग में लाएंगे, एनवा पद बराबर a+(n-1)(d)। इस फार्मूले में हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे। जैसे हम बराबर के बाद देखें, a के स्थान पर हम 2 रख रहे हैं, प्लस ब्रैकेट में n 10 रख रहे हैं, -1 छोटा ब्रैकेट बंद किया, और d की वैल्यू हमने 5 रखा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो बराबर के बाद आप देखें, 2+(10-1)(9)(5), और फिर देखें 2 - 9 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 45 आया। 45 में हम 2 जोड़ दें तो 47 मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि उस सीरीज का जो दसवां पद होगा वो 47 होगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं, उसमें हम सीरीज का तीसवां पद, और सीरीज हमें क्या दी हुई है, 100, 70, 40, -10। तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रथम पद a बराबर 100 है, और यहां पर भी हम सार्वांतर प्राप्त कर लेंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, मतलब 70 में से 100 घटा रहे हैं, तो -30 हमें सार्वांतर मिल जाएगा। तो यहां भी हम उसी सूत्र का, उसी फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो nth टर्म मतलब एनवा पद बराबर a+(n-1)(d), और इस सूत्र में वैल्यू हम रखेंगे, तो ए के स्थान पर हमने 100 रखा, प्लस ब्रैकेट में एन के स्थान पर 30, हमें तीसवा पद निकालना था, -1 ब्रैकेट बंद, -30। फिर हम इसे देखें आगे, 100 - 30 में से 1 घटाया, 29, 29 प्राप्त हुआ, -30। अब यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, कई बार छोटी सी गलतियां कर देते हैं लड़के कि पहले जोड़ लेते हैं, लेकिन नियम के अनुसार मल्टीप्लिकेशन यहां पर पहले करना होगा। 100 - मतलब +29 - -30, उसका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 870 हमें प्राप्त हुआ। 100 में से 870 हम घटाएंगे तो -770 हमें प्राप्त होगा। अतः सीरीज का तीसवा पद -770 होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब करें।